उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बाजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने व जरूरी उपकरण उपलब्ध कराने की बात कही। बता दें कि बाजपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बदहाली से जूझ रहा है। यहां आने वाले मरीजों को बेहतर इलाज दिए जाने की जगह उन्हें मात्र रेफर कर दिया जाता है। वहीं रविवार को स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने कैबिनेट मंत्री यहाँ पहुंचे। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड, जनरल वार्ड सहित सरकारी आवासों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र में रिक्त पड़े पदों पर चिकित्सकों की तैनाती की जाएगी, साथ ही जरूरी उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे चिकित्सक जनता को बेहतर उपचार दे सकें। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि कोरोना के समय में बेहतर सेवाएं देने वाले कोविड कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही कोविड कर्मचारियों को नियुक्ति दे दी जाएगी। देखिए, हमारी प्रदेश सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रयासरत है कि हम हर हॉस्पिटल को ठीक ठाक करें, और जब से हमारी सरकार बनी मैंने अभी एक एक सचिव से लेके महानिदेशक से लेके सबको एक जिम्मेदारी दी है कि एक एक जिलों में निरीक्षण करने जाएंगे और स्वास्थ्य संवाद करेंगे हर हॉस्पिटलों में। मैं प्रधानमंत्री जी का भी और देश के स्वास्थ्य मंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि अब कुमाऊं को एक सेटेलाइट कैंपस जो है एम्स का भी मिल चुका है, उसकी ज़मीन का भी निरीक्षण किया जा रहा है, जल्दी जो है उसका भी काम शुरू हो जाएगा। हमको कुमाऊं में दो नए मेडिकल कॉलेज मिल गए हैं, एक पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज मिल गया है और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में इस साल से पढ़ाई शुरू हो गई है।